ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और विवाद ये दोनों शब्द हमेशा साथ साथ चलते हैं। मजेदार बात तो ये है कि पाकिस्तान भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में सवाल खड़े करता आ रहा है। आईपीएल को लेकर भी पाकिस्तान को जलन होती है तो कहीं न कहीं भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर भी। ये अपने घर में झांकने की बजाय भारत की पोल खोलने में लगे हुए होते हैं, लेकिन इनकी पोल तो कोई अपना ही खोल जाता है और कुछ ऐसा ही हुआ इस बार भी। तो जी हां, पाकिस्तान के एक सीनियर खिलाड़ी ने पोल खोलने का काम किया है, जिसे देखकर हर भारतीय हैरान है। ये जानना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान भारत पर सवाल खड़े करता आ रहा है, तो जरा ये भी तो जाने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर चल क्या रहा है और आखिर विवाद क्यों बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट और विवाद ये दोनों सब साथ साथ चलते हैं, खास तौर पर टीम के चयन को लेकर अक्सर भेदभाव के आरोप लगते रहते हैं। छोटे खिलाड़ियों को तो ये आरोप लगाने के मौके ही नहीं मिलते हैं, क्योंकि टीम के सीनियर खिलाड़ी ही पाकिस्तान की पोल खोलते हैं, चयन प्रक्रिया और टीम मैनेजमेंट की पोल पट्टी खोलते आ रहे हैं। ये लिस्ट पहले से ही काफी लंबी है और इसमें एक नया नाम जुड़ गया है। सफल और सीनियर क्रिकेटर में से एक शोएब मलिक का नाम भी जुड़ गया है। शोएब मलिक पिछले 20 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा है। उन्होंने इन दो दशकों में कई पाकिस्तानी कप्तान देखे हैं, खुद भी कप्तान रह चुके हैं, टीम मैनेजमेंट से लेकर पाकिस्तान बोर्ड के तौर तरीकों से अच्छे से वाकिफ है। जाहिर तौर पर अपने कप्तानी कार्यकाल में उन्होंने भी ऐसे ही हालातों का सामना किया होगा और उन पर भी इस तरह के आरोप लगे होंगे। ऐसे में अब जब उनका कैरियर अपने अंत के करीब है तो उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। खैर, उन्होंने क्या कहा और किस तरह से पाकिस्तान की पोल खोली है वो तो हम इस वीडियो में जानने ही वाले हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं इंडियन सपोर्टर तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। टेस्ट और वनडे से संन्यास ले चुके शोएब मलिक फिलहाल T20 क्रिकेट में पाकिस्तान टीम के सदस्य है। हालांकि पिछले साल सितंबर के बाद से उनको जगह नहीं मिल पाई है। ऐसे में मलिक ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान क्रिकेट में पसंद नापसंद का खेल सबसे ज्यादा चलता है। मलिक ने कहा कि हमारे क्रिकेट सिस्टम में पसंद नापसंद का ज्यादा चक्कर है, ये पूरी दुनिया में होता है लेकिन हमारे यहाँ ज्यादा है। जिस दिन हमारे क्रिकेट सिस्टम में बदलाव होने लगेगा और किसी की जान पहचान से ज्यादा अहमियत काबिलियत को देने लगेंगे तो ये चीजें बेहतर होने लगेगी। मलिक ने साफ किया है कि उन्हें इस बात का खौफ नहीं है कि उन्हें आगे कभी दोबारा पाकिस्तान के लिए खेलने का मौका मिलता है या नहीं, लेकिन अब वो खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा, अगर मुझे दोबारा मौका नहीं दिया जाता है तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने अपने साथी क्रिकेटरों की ओर से कुछ नहीं कहा तो इसका मुझे अफसोस रहेगा। बाबर आजम की नियुक्ति के बाद से इस बात को लेकर खबरें सामने आती रही है कि टीम चयन में उनकी राय को अनदेखा किया जाता है। मलिक ने भी इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि कप्तान का अंतिम फैसला होना चाहिए क्योंकि आखिरकार मैदान उसे ही अपने खिलाड़ियों के साथ जाकर जूझना होता है। यह है पाकिस्तान के अंदर की खबर जो बाहर आ चुकी है और पाकिस्तान क्रिकेट और विवाद का तो पुराना नाता है और ये कोई नए खिलाड़ी नहीं है शोएब मलिक जो पाकिस्तान की पोल खोल रही है, बल्कि इतिहास में कई सारे ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने पाकिस्तान की पोल खोली है। कुछ ने तो पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे देशों की सदस्यता लेकर आईपीएल खेलने तक के लिए आ गए हैं। पाकिस्तान का कंपैरिजन भारत से करते हैं, लेकिन कंपैरिजन तो बराबरी वालों का होता है, यहाँ पर तो बराबरी ही नहीं है। भारत हर मामले में पाकिस्तान से कहीं आगे है, चाहे वो क्रिकेट की दुनिया हो या क्रिकेट से बाहर की दुनिया। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ कमाल धमाल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।